हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल माय फ्रेंड्स। मेरा नाम है सूरज और मेलबर्न में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लूजन अप हो गई हैं, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई हैं, उसकी वजह से हम बाहर जा सकते हैं कई जगह पे। सो आज हम जा रहे हैं एक सबर्ब में जिसका नाम है सेंट किल्डा और ये है हमारे साथ। What's up guys? मेरा नाम है शामवी। हम सुपर एक्साइटेड है आज, एक्चुअली कहीं जाने का मौका मिल रहा है, आप लोगों को भी जाने का मौका मिल रहा है। बहुत टाइम हो गया यार, कहीं नहीं निकले। सो आज आपको हम दिखाएंगे सेंट किल्डा। चलिए in the train after 3 long months मैंने ट्रेन में ट्रैवल नहीं किया था और it feels great to be traveling somewhere at least after 3 months in lockdown. This is all stations name here on the seats in this line. How cool! आप अगर अपने स्टेशन का नाम भूल जाओ तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। So this is the iconic Flinders Street Station in Melbourne and इसका जो मैप था वो मुंबई के VT स्टेशन के साथ एक्सचेंज हो गया था जैसा कि मैंने सुना है। Guys, this is our iconic Swanston Street. Thank God इतना भी क्राउड दिख रहा है because थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस अभी खुली हैं, so उसकी वजह से you can see, otherwise इसका 5 times क्राउड होता है यहाँ पे। But it's so good to be back on the roads man, seriously. Guys, we are at the Burke Street Mall Station और हमें जाना है लास्ट स्टेशन Acland Street for reaching to Saint Kilda Station. Guys, इतने दिनों बाद we have stepped out. Can't tell you. Yeah, it feels so good to be out after 3 months. मैं तो बाहर निकला हूँ, मैं तो ट्रेन ट्रैम में बैठा हूँ। So guys, ये है लूना पार्क। इसके मुंह के अंदर अभी हम जा नहीं सकते क्योंकि पार्क इज क्लोज्ड। ये है एक छोटी सी मिनी अट्रैक्शन इन मेलबर्न, अ लिटिल थीम पार्क, इसको कहते हैं लूना पार्क। सो इसका चक्कर दिखाएंगे आपको बाद में। क्या बात है, रोलर कोस्टर जो अभी तक खाली पड़ा है, बट सी अमेजिंग राइट। सो गाइज ये है लूना पार्क, अभी तो बंद पड़ा है बट जस्ट हैव अ ग्लिम्स। गाइज़ ये है एक्लैंड स्ट्रीट, यहाँ की सबसे बिजी स्ट्रीट। यहाँ पे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, बहुत ही अच्छे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं और अभी बहुत बिजी नहीं लग रही बिकॉज अभी वीकेंड नहीं है। एंड लुक एट दिस केक शॉप, इट्स नियरली अबाउट आई थिंक 50-year-old केक शॉप। कौन सा सिलेक्ट करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यम्मी, ओह माय गॉड, दिस 50-year-old केक शॉप। गाइज जैसे कि हम सेंट किल्डा पहुंच चुके हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ। बेसिकली दिस प्लेस इज फॉर हिपस्टर्स एंड इट्स अ वेरी मिक्स कल्चर, लाइक एनीबडी हु कम टू ऑस्ट्रेलिया ऑन अ शॉर्ट हॉलीडे और लाइक बैकपैकर कल्चर बहुत है यहाँ पे। अमेजिंग बार, ग्रेट प्लेस टू डाइन इन। बट अभी कुछ खुला नहीं था, अभी कुछ खुला नहीं है क्योंकि जैसा सब कुछ बंद है, क्योंकि हम लोग अभी ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। फिर भी 25 किलोमीटर की रिस्ट्रिक्शन खोल दी है, हम थोड़ा दिखा पाए आपको ज्यादा। 25 किलोमीटर के अंदर रेडियस में जो जो सबर्ब्स आते हैं या कुछ भी आता है तो हम वो दिखा सकते हैं, वो वहाँ जा सकते। बट पब्स और रेस्टोरेंट्स, बार्स, ये सब अभी खुला नहीं है, जस्ट टेक अवे है। बट यार फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे यार यहाँ क्राउड crowd नहीं बस थोड़ा सा हिपस्टर crowd है, but I think it's nice because this basically Saint Kilda is a blend of beach and city. और ये हमारे घर से बहुत पास है. Yeah, it is within 25 kilometers. तो हमने सोचा कि यार इसकी सैर हो जाए और मजा आ जाए. But the vibe अच्छी है यहाँ की, लेकिन जो crowd है, I mean ये थोड़ा सा aggressive crowd लगता है यहाँ का. थोड़ा अपने ट्रिप में होते हैं यहाँ के लोग. हाँ, बैकपैकर कल्चर है तो इसीलिए थोड़ा सा वैसा है. But it's not like the place we are living at the moment, but it is pretty cool, pretty cool. It's not bad. It's really nice. तो एक काम करते हैं शामवी, बीच पे चलते हैं. I think बीच पे थोड़ा अच्छा क्राउड होगा और बीच पे मजा आएगा. Exactly. तो बीच दिखाना. Let's go. Guys, this is the beach of Saint Kilda. It's so beautiful. आपको लग रहा होगा कि हम बीच पे क्यों नहीं है, क्योंकि आज है 18 डिग्री सेल्सियस एंड चिल्ड विंड, तो इट्स हाईली अनलाइकली कि कोई इतने चिल्ड पानी में डुबकी मार सकता है एक्सेप्ट फॉर दीज गोरास. ब्यूटिफुल. कितना क्लियर है ना पानी. लुक एट द क्लैरिटी ऑफ वाटर. वाओ गाइस, देखो अब यहाँ पे पैरासेलिंग चल रही है. आई थिंक इट्स प्राइवेट, इट्स समबडी हु इज ऑलरेडी डन दैट बिफोर. ये ओपन टू पब्लिक नहीं हुआ है अभी. और यहाँ पे चल रही है थोड़ी सी कयाकिंग. अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे लोग कयाकिंग कर रहे हैं, और वहाँ पे यू कैन सी थोड़ी जेट स्कीइंग चल रही है. सो इट्स गुड. Guys, this cafe at the back, this is a favorite spot in Saint Kilda, जहाँ पे हम बहुत बारी आते हैं. आज हमें लगा था खुला होगा but ये बंद है, so अभी हमें कहीं और जाना पड़ेगा. But you need to see the location. This is the location. पैरासेलिंग चल रही है यहाँ पे. वाओ, सो ब्यूटीफुल. मुझे भी करना है सूरज. क्या पैरासेलिंग? पानी से तो तू इतना डरती है, पैरासेलिंग करेगी? पानी में जाने से डरती है? मैं कुछ भी ठीक. क्या है? कुछ भी. Fears to overcome यार. Please यार, you're so scared of water. ये डरती है कि पानी में नहीं जाना, पानी में नहीं जाना, दूर तक नहीं जाना, कुछ हो जाएगा. हाँ तो ठीक है, I want to overcome my fear. So ये देखो guys, social distancing के circles बना के रखे हैं, तो circle जहाँ जहाँ circles है वहीं वहीं इंसान बैठे हुए हैं. जिसको भी सेंट किल्डा आके एक अमेजिंग ड्रिंक विद अ व्यू एंजॉय करना है या मील एंजॉय करना है, दैट इज कैप्टन बैक्स्टर. अभी अनफॉर्चुनेटली ये बंद है. इसको रिपब्लिका भी कहते हैं. इट इज अमेजिंग. एंड सेंट किल्डा सी बार, एनीबडी हु इज इन मेलबर्न मस्ट ट्राई. सो चल के थक गए यार. आई नो, इट इज सो ब्यूटीफुल. हम लोग तो एक्चुअली इस ब्लॉग में इतने शांत हैं कि हम ब्यूटी एंजॉय कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी ज़्यादा सुंदरता देखो, क्योंकि it's beautiful यार. अभी बट एक क्वेश्चन है मेरा. इफ यू वांट टू, लाइक इफ यू हैव अ चॉइस, गिवन अ चॉइस, इफ यू वांट टू शिफ्ट टू सेंट किल्डा फ्रॉम साउथ यारा, सो विल यू शिफ्ट फ्रॉम साउथ यारा टू सेंट किल्डा, मतलब टू लिव, आई मीन टू, या बाय अ हाउस हियर? आई थिंक आई लाइक साउथ यारा बिकॉज़ इट इज अ लिटिल इन द मिडल ऑफ द सिटी एंड क्लोज टू द बीच, बट आई थिंक आई वोंट मूव. बट हां, यहाँ पे जरूर आई विल फ्रीक्वेंटली कम बिकॉज़ इट्स टू हस्टल बस्टल. इट्स गुड फॉर अ वीकेंड और अ डे आउट, बट फॉर मी इट्स अ बिग नो. आई विल नेवर ever leave South Yara because वो मेरी favorite जगह है. So मैं कभी नहीं छोड़ सकता. But it's good to be here. I mean कभी कोई change, थोड़ा change चाहिए हो तो it's a good, nice vibe. It's a good place to be here. I think it's very good for especially students and other short stay visa people to come over here because job opportunities बहुत है Saint Kilda में. You've got a lot of cafes, you've got retail. So it's a very mixed culture, you know, and it's too like full on like light up. So it's really nice. So I hope कि आपको ये हमारे साथ सेंट किल्डा का टूर अच्छा लग रहा होगा. So I think let's continue. Exactly. Let's continue. कहाँ लेके जा रही है शामली? कहाँ लेके जा रही है? पता नहीं कहाँ लेके जा रही है यार, प्लीज यार। तुम जहाँ पे भी जाओगे यार मुझे नहीं जाना यार सैंड में, प्लीज। वो पेवमेंट यार वहाँ से मुड़ के, ये देखो ये पेवमेंट यहाँ से मुड़ के ऐसे ऐसे घूम के फिर यहीं लेके आ रही है यार। रास्ता देयर टू यार। नो नो आई डोंट वांट टू गो फ्रॉम हियर। सो देन लीव इट, देन लेट्स जस्ट वॉक। मैंने नहीं जाना यार वहाँ से। ऐसे नहीं मजा आता यार, प्लीज यार ऐसे क्या नहीं मजा आता। एडवेंचर इज फन। एडवेंचर इसमें एडवेंचर नहीं, इसमें स्टूपिडिटी है, बिकॉज हम फिर से घूम फिर के वहीं आ जाते। बट देयर इज अ रास्ता ओवर देयर एज वेल। चल तू चल, अभी बोर मत कर। गाइस जो हम पैरासेलिंग बोल रहे थे उसको एक्चुअली में बोलते हैं काइट्स गेट। यू कैन बुक इट फ्रॉम हियर। सी यू हैव लॉट्स ऑफ बोर्ड्स एंड एवरीथिंग। अभी तो बंद पड़ा, आई थिंक पीपल हैव गॉट देयर प्राइवेट, बट सी दैट्स अ प्लेस टू बुक। ब्यूटीफुल। आई होप गाइज आपको ये छोटा सा टूर ऑफ सेंट किल्डा अच्छा लगा होगा, और आपको कोई भी और सबर्ब्स देखने हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए नीचे। हम ऐसे ही अभी ट्रैवल करना शुरू हुए हैं और भी व्लॉग्स बनाएंगे। शो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई थिंक आपको बहुत मजा आया होगा जैसे हमें बहुत मजा आया। सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर। एंड स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। See you.